हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपके साथ शिवानी रौतेला और मेरे साथ है मेरे को होस्ट जी। अब इंट्रोडक्शन का टाइम है, फटाफट न्यूज बताओ। ठीक है अंकित, तो आपको पता होगा कि अप्रैल में हमारी जो बॉलीवुड की क्यूटेस्ट जोड़ी यानी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की #रनालिया जो चला है, उनकी शादी हुई थी। और हाल ही में आलिया भट्ट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि अब वो माँ बनने वाली है और रणबीर कपूर हमारे डैशिंग पिता बनने वाले हैं। लेकिन कूल डैड भी जिसे कह सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या खुलासा किया है रणबीर कपूर ने, आखिर क्या चाहिए उन्हें? जी देखिए, ये तो भगवान के हाथ में होता है कि आपको एज अ जो है, लेकिन पिता के हाथ में भी होता है। आप बिल्कुल एग्री करेंगे मेरी बातों से, के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन आप पता नहीं करा सकते ना कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए तो बेबी की, तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट चाइल्ड का वो टैटू भी करवाएंगे अपनी बॉडी पे। लेकिन इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि, उनकी अपनी विश है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला जो चाइल्ड हो बेटी हो, क्योंकि मैं एज अ डैड जो है बेटी जो है, मैंने मतलब बहनों का मुझे प्यार मिला है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की बेटी को तुम किस तरह उसको परियों की तरह पालते हो, किस तरह तुम उसकी केयर करते हो, किस तरह तुम्हें वो उंगली पकड़ना चल के सिखाते हो उसको, और क्या जो भी बेटी और पिताजी के बीच में जो प्रेम होता है, जो उनका आपसी जो भाव होता है, वो प्रकट करना उनको जो है बेटी जब उनकी अगर होती है। मैं तो चाहता हूँ जैसा अगर रणबीर सोच रहे हैं तो उनकी बेटी ही हो, बट गॉड नोस, अब ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ। नीतू जी भी काफी ज्यादा खुश है, उन्होंने भी कहा कि मैं मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, सबसे अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही है, नीतू जी को बोला जा रहा था फारा खान के द्वारा कि शायद जो है जो ऋषि कपूर साहब है वो वापस से बिल्कुल उनके रूप में जन्म लेंगे। अब आलिया भट्ट तो वापस आ चुकी है हॉलीवुड की अपनी डेब्यू मूवी हार्ट ऑफ स्टोन करके आ चुकी है और जल्दी से अपने बेबी के पास, अपने बेबी रणबीर कपूर के पास आ चुकी है जी। और आपको बता दूं कि जैसे वो शूटिंग करके आई तो सबसे पहले नीतू कपूर ने उनको हक किया और उनका वेलकम किया कि इतने टाइम से आप, मैं मिस कर रही थी आपको। तो काफी ये देखो ये स्वीट जेस्चर जो होते हैं, उन्होंने आलिया भट्ट ने भी खुलासा किया कॉफी विद करण सीजन 7 में कि सच्चा प्यार या जॉइंट फैमिली में रहना, पूरा एक हर एक छोटे छोटे फंक्शन में एक साथ रहना, फैमिली असली किसी की है तो वो कपूर की फैमिली है। मुझे कपूर फैमिली में आके ये चीज मैंने सीखी है बिल्कुल। और एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने यह भी कहा कि मैं चाहूंगा कि इतनी बड़ी हस्ती हमारी आलिया भट्ट है, फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, तो वो बेबी के कारण कोई, जिसे कहते हैं ना कि थोड़े से टेंशन में ना चले जाए कि मुझे बेबी और करियर दोनों को संभालना पड़ेगा। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम मिलकर प्रोफेशनल लाइफ अलग रखेंगे और पर्सनल लाइफ हमारी अलग रहेगी। जैसे कि विरुष्का हो गए, जैसे कि आपके बाकी सारे भी और जो है सैफ अली खान है, तो हर कोई ये अलग रखता है और अलग रखना भी चाहिए क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी अलग है और प्रोफेशनल अलग है, तो दोनों को अगर आप साथ में जोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप दोनों को टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसकी एग्जांपल्स हैं काफी सारी, तो मैं भी चाहता हूं कि रणबीर जल्दी से जल्दी जो है एक बेटी के पिता बन जाएं जी। और अब जो भी होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन हम जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो क्योंकि उनको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा बिल्कुल। और प्यारी सी छोटी नन्नी आलिया भट्ट इस दुनिया में आएगी, तो उससे पहले हम नई नई खबरें तो आपके साथ लेकर आते ही रहेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में और क्या क्या चलता है ये भी साथ साथ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।